हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग इजी वेज। बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को इस वेबिनार वाली मीटिंग को अटेंड करके और लोगों को भी अटेंड करवा कर करके। जैसा कि सर ने हम लोगों को पूरा टाइम, जैसे 4 बजे से लेकर के हम लोगों को 6:30 बजे तक सर की ट्रेनिंग में हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तो इस टाइमिंग को हम लोग जो है बहुत ही मतलब कितना जल्दी से जल्दी ये टाइमिंग आए और हम लोग इस मीटिंग में बैठे, एक दूसरे इजियंस से मिले, बात करें, उन लोगों के साथ हम लोग हाय हेलो करें, गुड मॉर्निंग इजी वेज बोले। जैसा कि डॉक्टर अनिल सर का आज प्रोग्राम था, बहुत अच्छा लगा। ग्रेसी मैडम ने जो भी प्रोडक्ट के बारे में बताया वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि जान तो रहे थे, सब लोग यूज़ भी कर रहे थे, लेकिन क्या क्या मिल के बना हुआ है, कैसा कैसा इसमें मटेरियल मिला हुआ है, क्या क्या चीज़ मिला हुआ है, उसके बारे में जो है सारी जानकारी मिल रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस वेबिनार को अटेंड करके, और इसमें जो है बाहर के लोग भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं, आप लोगों का तो बिज़नेस बहुत ही अच्छा है कि देश तो देश विदेश में के भी लोग इसको जो है बहुत ही आगे तक ले जाने के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि सर ने आज हम लोगों को एक टास्क फिर दिया, और वो टास्क था गोवा टूर के बाद हम लोग का दूसरा टास्क आया है कैपिंग के लिए। तो कैपिंग जो है हम लोग एकदम श्योर करेंगे, 100% करेंगे, जैसे लॉकडाउन खुलता है। हम लोगों के पास तो वेबिनार को की मीटिंग अटेंड करने जो भी लोग कर रहे हैं वो लोग तो अभी भी जुड़ना चाह रहे हैं, तो हम लोग यही बताया कि जैसे ही हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि सिर्फ जुड़ना नहीं है, जुड़ कर करके हम लोगों को आगे तक इस बिज़नेस को लेके जाना है, खुद आगे जाना है, अपने लोगों को भी इस बिज़नेस में, जैसे कि सर ने बताया, जिसका ख्वाब नहीं, सपना नहीं, वो आदमी जो है कोई काम का नहीं होता है। तो हम लोगों को जो है कोई काम का नहीं बनना है, काम का बनना है, और काम का बन करके दिखाना है। सर भी कहें कि हाँ, इस वेबिनार का जो भी ट्रेनिंग हम लोगों को दिया तो इसका जो है पूरा जो है सही सही लोगों ने इसको यूज़ किया, और लोग का तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ हम खुद का अपना टारगेट बताएंगे कि जैसे भी ये जो खुलेगा लॉकडाउन, सर को हम खुद कैपिंग कर करके दिखाएंगे, अपने टीम के सहयोग से, अपने टीम लोगों के साथ मिल कर करके हम लोग इसको आगे से ले जाएंगे, और इस जो कैपिंग का जो सर ने टास्क दिया है उसको हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग अगर टास्क मिले और किया नहीं तो फिर बताने का टाइम, मतलब सर का भी टाइम बर्बाद और हम लोगों का सुनने का भी टाइम बर्बाद। तो जो सर जिस दिशा में बता रहे हैं, हम लोग को उस दिशा में काम करना है, आगे बढ़ना है, लोगों को आगे बढ़ाना है, और इस सिस्टम में जुड़ने के बाद हम लोगों को जो है जो भी काम मिले उसको अपने ईमानदारी के साथ करना है। थैंक यू, गुड मॉर्निंग इजी वेज। गुड मॉर्निंग इजी वेज, माय सेल्फ जगदीश देवनाथ, मैं त्रिपुरा का एक छोटा सा शहर धर्मनगर से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने क्यों हम इजी वेज करते हैं, व्हाई इजी वेज के बारे में हम चर्चा करेंगे। मार्केट में बहुत सारे कंपनी है, तो हम क्यों इजी वेज के चूज करें इसके बारे में हम बताना चाहते हैं। देखिए, मार्केट में जो भी कंपनी है वो कंपनी बहुत कौन सा फिलोसफी के साथ आधारित है ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारे कंपनी का फिलोसफी बहुत अच्छा है, हमारे कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमारे कंपनी का प्लान बहुत अच्छा है, हमारे कंपनी का जो पीपल है बहुत अच्छा है, और हमारे कंपनी का प्रोफाइल भी बहुत बढ़िया है। सो इसलिए हम इजी वेज करते हैं। आप में आप लोगों के सामने हमारा कंपनी का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हम कैसे चूज करें। किसी भी कंपनी का जो रूप होता है वो प्रोडक्ट के ऊपर आधारित होता है, तो हमारा कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत बेहतरीन है, तो प्रोडक्ट हम कैसे चूज करें, इस प्रोडक्ट वाला कंपनी बहुत अच्छा होगा, ये हम कैसे चूज करें। तो इसके लिए हमारे पास 4 पॉइंट है, ये पॉइंट हम अगर मान लेते हैं तो हमको चूज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो नंबर 1 जो पॉइंट है वो है फास्ट मूविंग फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। नंबर 2 है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 3 है रेट ऑफ प्रोडक्ट।
एंड नंबर फोर है अवेलेबिलिटी। ये चारों चीज जिस कंपनी में है इस कंपनी में आप बेशक काम कर सकते हैं। हमारे पास जो है प्रोडक्ट है वो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, तो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स क्यों होना चाहिए? मान लीजिए आप रेफ्रिजरेटर का बिजनेस करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो आप मुझे एक रेफ्रिजरेटर आज बेचा है, नेक्स्ट मंथ आप बेच सकोगे, अगले साल बेच सकोगे, नहीं, तीन चार साल बाद भी आप हमें एक रेफ्रिजरेटर नहीं बेच पाओगे। लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। मान लीजिए साबुन है, आपको वीकली बेच सकते हैं, हमारे पास टूथपेस्ट है, हम मंथली एक बेच सकते हैं, हमारे पास ऐसा है शैम्पू है, हेयर ऑयल है, फेस वॉश है और बहुत कुछ है जो हम आपको मंथली बेसिस बेच सकते हैं। तो ये है फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। और इसके अलावा हमारे पास जो क्वालिटी प्रोडक्ट है जो हेल्थ केयर सेक्टर का है वो भी बहुत बढ़िया है, वो भी आप फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स के अंदर ला सकते हैं, जो कि हर रोज हमको चाहिए हमारा हेल्थ को तंदुरुस्त रखने के लिए। और आप तो आप लोग जान चुके होंगे कोरोना वायरस के कारण अपना इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना चाहिए, और इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए इसका प्रोडक्ट कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। सो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स हमारे साथ है, इसके लिए हम यहाँ पे 100% माल। नंबर टू जो है वो है क्वालिटी प्रोडक्ट। क्वालिटी में कभी भी इजी वे आरोप कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है बहुत क्वालिटी पर आधारित है। एक साबुन ले लीजिए, एक टूथपेस्ट ले लीजिए, हमारा जो ओलियो है वो भी ले लीजिए, तो आप क्वालिटी प्रोडक्ट है वो आप कैसे जानोगे? इसके लिए हमारे पास बहुत सारे सर्टिफिकेशन है प्रोडक्ट के ऊपर, 12, 13, 14, 15 ऐसा बहुत सारा सर्टिफिकेट है। एम हलाल है, नेचर लॉक सिस्टम है, क्री लेबोरेटरीज का सर्टिफिकेट है, और आयुष का भी सर्टिफिकेट है, बहुत सारा ऐसा सर्टिफिकेशन है हमारे साथ, जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत बेहतर है वो हम मान सकते हैं। और हम जो इस्तेमाल करते हैं इसके बाद हम कह सकते हैं ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, और आप भी एक बार इस्तेमाल करने के बाद आपको भी मालूम पड़ जाएगा हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है। अब क्वालिटी में भी हम 100% उतरे हैं। अभी जो चीज है वो है रेट ऑफ प्रोडक्ट। हमारा कंपनी का जो प्रोडक्ट का रेट है बहुत रिजनेबल रेट रखा गया है, दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा जो क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है ओलियो, जो विश्व का नंबर वन एंटीऑक्सीडेंट है, इसका भी कीमत है 1549 ओनली। जैसा कि दूसरे कंपनी में ऐसा कुछ प्रोडक्ट आपको चाहिए तो इसके कीमत होगा 3 से 3,500। तो हम रेट ऑफ क्वालिटी भी हमारा कंपनी का बहुत अच्छा है। और मान लीजिए कॉफ सिरप भी है हमारा पास जो कि कासेस के नाम में है, ये कासेस का कीमत है ओनली 59 रुपीज ओनली 59 रुपीज 100 ml प्रेजेंटेशन का पैकेज है। ऐसे हमारा साथ बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसके रेट बिल्कुल रीजनेबल है। तो रेट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में भी हम बहुत बेहतरीन कंडीशन में है, रेट ऑफ प्रोडक्ट भी बहुत हमारा मेंटेन है। नंबर फोर जो है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट का फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, रेट ऑफ प्रोडक्ट भी ठीक है। नाउ प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो आपको कुछ नहीं होगा। तो हमारे कंपनी ने क्या किया, हर एक छोटे बड़े शहर में अपना छोटा बड़ा शॉपिंग ओपन कर दिया, जैसे कि होम शॉपिंग से लेकर ईपीसी बहुत कुछ छोटे छोटे शहर में भी है, और अपने घर में भी होम शॉपिंग आप रख सकते हैं, और बड़े शहर में हमारा इजी स्टोर 9 भी है। ऐसे बहुत क्वालिटी मेंटेन करके हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल भी हर एक शहर में। अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के कारण कंपनी ने क्या किया, आपका प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, कंपनी ने किया कि आपको कुरियर में आपके घर तक प्रोडक्ट भेजने के लिए कंपनी ने सिद्धांत ले लिया, और हमारे पास प्रोडक्ट ऐसे ही आ जाता है घर तक। सो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में भी हमारा कंपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सो ये चार जो हमने आज पॉइंट रखा है प्रोडक्ट के बारे में, ये चारों चीज किसी कंपनी में सही होता है तो इस कंपनी लॉन्ग रन तक चल सकता है आपके साथ। सो
एक ही बात कहूंगा कि डोंट क्विट इस बिजनेस का, आप छोड़िए मत, ये सारे गुण इस कंपनी के अंदर है, प्रोडक्ट के अंदर है। सो इस बिजनेस में आप जरूर सक्सेस हो पाओगे क्योंकि ये चारों गुण हमारे इजीवेज में है। सो थैंक यू। गुड मॉर्निंग इजीवेज, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विनीत ठाकुर आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इजीवेज बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। दोस्तों इजीवेज बिजनेस प्रोफाइल को सुनने समझने के बाद मेरी जिंदगी तो चेंज हुई है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी में भी एक ड्रास्टिक चेंज आया है। तो सबसे बड़ी चीज है इजीवेज के इतिहास के अंदर कि 19 सालों से ये कंपनी लगातार काम कर रही है भारत के अंदर, और लगातार काम कर रही है। बहुत सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी जब एक कंपनी लगातार काम करती है तो आप समझ सकते हैं उस कंपनी का विजन कितना बड़ा है, और 19 साल का इतिहास ही इस चीज का गवाह है। उसके साथ साथ इजीवेज को बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं, सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा पावरफुल पॉइंट है इजीवेज का। उसके साथ साथ इजीवेज को MCA रजिस्टर्ड मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जो दिशा निर्देश के अनुसार इजीवेज चल रही है, उसका काम कर रही है, तो वो MCA से भी रजिस्टर्ड, यानी कि स्टूडेंट्स यानी कि कोई भी इंसान अपना कैरियर इसके अंदर लगा सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की देखरेख में कंपनी चल रही है। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी कंपनीज क्या होती है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार काम नहीं करती और बाद में लोगों को धोखा मिलता है, लेकिन इजीवेज गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम कर रही है। और इजीवेज का काम है 100% नेचुरल आयुर्वेदा बेस्ड प्रोडक्ट बनाना, जो कि पिछले 19 सालों से इन्होंने प्रूव करके दिया दिखाया है। पूरे भारतवर्ष के इतने जबरदस्त टेस्टिमोनीज आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं प्रोडक्ट्स के, कि लोग इजीवेज को आज एक बहुत बड़े लेवल पे इसको दर्जा देते हैं। इजीवेज के बिजनेस प्लान के अंदर एक सबसे बड़ी चीज है कि इजीवेज आपको हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी देता है, यानी कि, और वेल्थ के अंदर भी ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन मैं कंपनीज से कंपैरिजन नहीं करूंगा, लेकिन एक बड़ा यूनिक चीज है कि इजीवेज जनरेशन प्लान के साथ हमें लॉयल्टी पॉइंट इनकम भी देती है। मतलब मैंने बहुत सारी कंपनीज के अंदर देखा, लॉयल्टी पॉइंट इनकम को लेकर जब वो काम करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो नहीं कर पाते हैं, मतलब वो कंपनी नहीं स्टे कर पाती, लेकिन इजीवेज पिछले 19 सालों से इन दोनों प्लान के साथ, जनरेशन प्लस लॉयल्टी पॉइंट के साथ, सक्सेसफुली काम कर रही है। और इनके साथ काम करते करते आज इजीवेज के अंदर 600 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो करोड़पति बन चुके हैं, 2000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने कार अचीव की है, 500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने आरोग्य वाटिका स्टोर्स इजीवेज के लिए हैं, और उसके साथ साथ 150 से ज्यादा इजीवेज के अपने प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके साथ साथ इतना ही नहीं है, बल्कि 1500 से ज्यादा हमारे EPCs या PUCs की शेप में हमारे आउटलेट्स हैं पूरे भारतवर्ष में, 500 से ज्यादा हमारे आरोग्य वाटिका स्टोर्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े इजी स्टोर 9 भी हैं, हमारे J&K में के अंदर भी एक इजी स्टोर 9 है और बहुत सारे आउटलेट्स हैं, 70 लाख से ज्यादा इन प्रोडक्ट्स के जो यूजर हैं 70 लाख से ज्यादा हैं भारतवर्ष के अंदर। और अगर आप YouTube और गूगल के ऊपर देखोगे आपको रिजल्ट्स की भरमार वहां पे दिखेगी। लोगों ने अपने टेस्टिमोनी शो किया है कि कैसे उन्होंने इजीवेज के प्रोडक्ट्स को यूज करके आज उनकी जिंदगी बदली है, हेल्थ के मामले में भी और वेल्थ के मामले में भी। इजीवेज आपको हेल्थ के साथ साथ 14 तरह की इनकम कमाने का भी मौका देता है, यानी कि आपको बिना किसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई स्पेशल डिग्री की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ इजीवेज आपको 14 टाइप्स की इनकम कमाने का मौका देता है, और महीने के अंदर 4 बार हमें इनकम मिलती है, 4 बार जो हमें इनकम मिलती है वो इजीवेज हमें देता है। उसके साथ साथ इजीवेज का जो डायनेमिक प्लान है, इनकम प्लान है, वो बड़ा ही यूनिक है, बड़ा ही जबरदस्त है। बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट और प्रोफेशनल्स इसके साथ जुड़े हैं, रिसर्चर्स इसके साथ जुड़े हैं, जिसकी वजह से इजीवेज के प्रोडक्ट्स दिन ब दिन शानदार और जबरदस्त होते जा रहे हैं। तो मैं सभी से एक ही बात कहूंगा कि इजीवेज के इस प्रोफाइल को समझ के, इसके प्रोडक्ट को यूज करके इसके साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग इजीवेज। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग इजीवेज, मैं राजेश शाह, बेसिकली मैं अगरतला से बिलोंग करता हूँ। कैसे हो सारे इजीवेज, आशा करता हूँ अच्छे हो। आप हर दिन की तरह आज भी आपके रूबरू होने के मौका मुझे मिला, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप तक पहुँचने में। और आज एक दोस्तों, आज एक स्टोरी के साथ, एक कहानी के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ वीडियो। एक हट्टा कट्टा जवान ट्रेन से उतरे सामान लेके, एक ऑटो वाला सामने आया, ऑटो वाले से पूछा, भैया जाना है साईं बाबा मंदिर? उन्होंने बोला हाँ जाना है, कितना रुपए लोगे? बोला 200 रुपए लूंगा। हट्टा कट्टा जवान बुद्धिमान है, पहलवान है,
उन्होंने अपने दिमाग लगे बोला ये तो पास है, आप ज्यादा मांग रहे हो, आप ऑटो वाले सबको लूट रहे हो, अब कोई जरूरत नहीं, हम चल पड़ेंगे। पैदल पैदल चल पड़ा सामान लेके, बहुत दूर तक चल पड़ा तो पीछे से ऑटो वाला आ रहे, तो उन्होंने हाथ दिया था, उन्होंने रोका, वही फिर स्टेशन वाला ही ऑटो वाला है, अरे आप फिर, अरे हाँ, अरे अभी तो आधा रास्ते में आ गया, अब ये बताओ आप कितने पैसा अभी लोगे? बोला 400 रुपया। बोला क्यों, मैं तो आधा रास्ता आ गया, आपने 400 रुपये ज्यादा मांग रहे हो। बोला आप जिस तरफ जा रहे हो ये साई बाबा की ऑपोजिट साइड रास्ता है, आप साई बाबा ऑपोजिट साइड में है, दूसरी तरफ है। बोला चुपचाप बैठ गया और ऑटो में और चल पड़ा। इसी कहानी से हमें सीख मिलता है, इसी तरह जिंदगी की कोई मुकाम पे हम किसी चीज के बिना सोच समझ के, बिना गंभीरता सोच के हम किसी भी काम शुरू कर देते हैं, फिर हमारी मेहनत हमारी टाइम को बर्बाद करके उसी काम को आधा अधूरा करके छोड़ देते हैं। किसी भी काम हाथ में लेने से पहले एक बार पूरी तरीके से सोच भी चल रहे हैं, कोई आप जो कर रहे हो वो क्या आपकी लक्ष्य की हिस्सा है या नहीं है। हमेशा एक बात याद रहे, दिशा सही होने पे ही आपका मेहनत पे रंग लाते हैं, अगर गलत दिशा पे चल पड़ेंगे तो कितने भी मेहनत करो आपके कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए दिशा तय करें और आगे बढ़े, कामयाबी आपके हाथ थमेगा। इंसान दो ही कारण से दिशा भटक सकते हैं, एक है मन बुद्धि के कारण, नहीं तो कोई एड्रेस नहीं। मैं समझ सकता हूं आप इजुएंस सबके एड्रेस सब मन बुद्धि तो नहीं हो, रही एड्रेस आप सबके पास एड्रेस है, आप सभी इजुएंस एड्रेस है, इसलिए आप क्राउन बन सकते हो। ऐसे जो भी हमें स्टार है उसका दिशा पाल की तरफ, पाल जो है वो एमरल की तरफ, एमरल जो है सफायर की तरफ, सफायर जो है वो डायमंड की तरफ, डायमंड जो है क्राउन की तरफ। ऐसे ही चलते चलते पता नहीं आप कहां से कहां तक पहुंचो, किस किस के दिल में बस जाओगे और किस किस लोगों के आपकी कामयाबी आपकी ड्रीम्स फुलफिल करने के साथ साथ आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों को, आपके उन लोगों को ड्रीम्स पूरा करके सक्सेसफुल बनाओगे। और पता नहीं आप इस दुनिया में रहे और ना रहो, आप हर लोगों को दिल में रहोगे और हर लोग याद करेंगे, आप इस दुनिया में हो और ना हो आपको हमेशा याद करेंगे, क्योंकि उनके सक्सेस उसकी ड्रीम्स आपने फुलफिल करवाया। तो ये चीज एकमात्र मुमकिन है हमारी इजवेस प्लेटफॉर्म में। इजवेस एक शानदार एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जहां पे अपने अपने दिशा को जिस जहां जो भी है अब अपनी दिशा है इसी तरफ रहे, आप अपने जिंदगी में जितना कामयाबी जितने सपने जो भी ड्रीम्स था आप यहाँ पे फुलफिल कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म बहुत बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। थैंक यू वेरी मच। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग इजी वेज, मैं रुचि डायमंड डायरेक्टर नवादा बिहार से, और इस वेबिनार को अटेंड कर करके तो बहुत मज़ा आ ही रहा है, जैसे कि रोज़ कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही है। हम लोग की आज की भी मीटिंग बहुत ही अच्छी रही, जैसा कि पिंकी मैडम ने पेस्ट के ऊपर बताया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और जमील सर ने प्रोटीन पाउडर के का जो वेबिनार में बताया तो हम लोगों के पास 3-4 प्रोटीन पाउडर का ऑर्डर भी आ गया। इसी तरह से जैसे हर लोग एक दूसरे प्रोडक्ट के बारे में रोज़ अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में जो ट्रेनिंग होते जाएगा, तो हम लोगों के पास क्या है, जो कुछ नहीं जान रहे हैं जिनके पास हम लोग घर जा कर के नहीं बता पा रहे हैं, वो वेबिनार में सुन कर करके हम लोगों के पास जो है इसका मतलब
प्रमोशन जो हो रहा है तो इसका ऑर्डर भी आने लगेगा। जैसे कि प्रोटीन पाउडर का आज 5 मेरे पास ऑर्डर आया, इसी तरह से हम लोग कल कुछ और प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो हम लोगों के पास कुछ और भी प्रोडक्ट का ऑर्डर आने लगेगा। यहाँ पे कोई किसी से कम नहीं है, सब एक से बढ़कर एक हैं। हर अपने पर, जैसे बताते हैं सर के सब इजियन सोने पे सुहागा है, इसी तरह से हम लोग जो है सब मिलजुल करके एक दूसरे को जो है एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ते बढ़ते इस मुकाम पे आ जाएंगे। जैसा कि सर ने आज बताया बंदर वाली कहानी, और भी जैसे आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि रोज़ हम लोगों को सवेरे 9 बजे अपना जो भी नाश्ता वगैरह है वो जो है हम लोगों को सवेरे ले लेना चाहिए, क्योंकि रात में कम से कम खाना चाहिए। इस ये सब जो जानकारी है हम लोगों को पहले से तो मिली थी, लेकिन आज जो है मिली तो और ताज़ा हो गई। जैसा कि यही ट्रेनिंग जो है सर डॉक्टर सर ने हम लोगों को पहले दिया था तो वो काफ़ी टाइम हो गया था तो हम लोग भूल रहे थे, लेकिन आज जब दोबारा से मिला ट्रेनिंग तो हम लोगों का रिपीट हो गया। और इस तरह से जो है और भी बहुत सारे जो लोग मेरे आज जुड़े थे, सब लोगों को इसकी नॉलेज हुई और ये लोग भी मिल कर कर करके और सुन करके देख कर करके इस प्रोडक्ट के बारे में इस जानकारी को लेकर के आगे बढ़े। हम लोग एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते चले जाएंगे और हम लोग रोज़ इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ कोरोना है कहाँ बीमारी है। और मतलब काम करने का जो है हम लोग का ये जो है और ज़्यादा लग रहा है कि कैसे जल्दी से जल्दी हम लोगों का पहले से ज़्यादा अच्छे से अच्छे काम हो। जैसे वेबिनार ख़त्म होता है हम लोग अपने अपने जो भी अटेंड करते हैं वेबिनार उनको कॉल करते हैं, कैसा लगा, क्या लगा, क्या इसमें ज़्यादा अच्छा लगा, इस तरह से बात होती है हम लोगों को कैसे काम आगे बढ़ेगा, कैसे क्या करना है। जैसे सर ने बताया बगैर मीटिंग के कोई भी काम सक्सेस नहीं होगा। आप लोग कितना ही काम कर लीजिए लेकिन मीटिंग नहीं करते हैं तो आप लोग वहीं पर के वहीं पर रह जाइएगा। इसी तरह से तो हम लोग जो है हम जैसे लॉकडाउन टूटेगा अपने अपने जगह पर से, क्योंकि सब लोग लीडर हैं है ना, तो हम लोग सब मिल कर करके अपने अपने जगह से मीटिंग स्टार्ट करेंगे और सर को इसी तरह से हम लोग जो है यहाँ से फ़ोटो खींच करके भेजेंगे तो पता चलेगा कि नहीं जो मैंने वेबिनार में बताया था उस पे सब लोगों ने अच्छी तरह से उसको सुना और अच्छी तरह से उसको जो है किया। जैसे लिस्ट बनाना, हम लोग भी लिस्ट बना रहे हैं, अपने लोगों को भी बोला है लिस्ट बनाने, अब वो बना रहे हैं कि नहीं, लेकिन अगर नहीं बना रहे हैं तो हम लोग उनसे ताकीद से लिस्ट भी बनवाएंगे। सर ने बताया कि बगैर लिस्ट के कुछ नहीं होगा तो हम लोग पूरी कोशिश के साथ, कोशिश नहीं हम लोगों को करना है तो करना है और हम लोगों को एक दिन कामयाब बनना है। इस नमस्ते दोस्तों, माईसेल्फ जगदीश देवनाथ, जगदीश देवनाथ मेरा नाम है। मैं त्रिपुरा का एक छोटा सा शहर धर्म नगर से बिलोंग करता हूँ। आज नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं छोटा सा आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ। हम लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, मेरा जो तजुर्बा है नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने करते करते मैंने जो सीखा है वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हर रोज सुबह निकलते हैं, शाम को लौटते हैं, ज्वाइनिंग होता है नहीं होता है, बहुत सारे कुछ हो जाता है, बहुत बढ़िया टीम बन जाता है, फिर भी कुछ नहीं होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ क्वालिटी लोगों को ज्वाइन करवाना है। तो क्वालिटी लोग क्या है, आप मान लीजिए 20 क्वालिटी लोग को आप ज्वाइन करवाया है 20, और ये जो लोग क्वालिटी है वो फिर 20 लोगों को ज्वाइन करवाता है तो क्या हो गया, 400 लोग हो गया। ये 400 लोग अगर 20-20 करके ज्वाइन करवाता है तो 8000 लोग हो गया। मान लीजिए ये एक साल में हो गया आपका, तो क्या हुआ, आपको एक बहुत बढ़िया एक नेटवर्क भी मिल जाएगा और इन लोगों का जो रिपर्चेस है इससे बहुत बढ़िया इनकम आ जाएगा, वो लोग भी काम करेंगे, आपको एक ब्यूटीफुल इनकम के जगह पर आपको ले जाएंगे। तो क्या करना है, हम क्वालिटी लोगों को चूज करेंगे। अभी कैसे चूज करें, क्वालिटी लोगों को चूज करने के लिए आपके पास दो सवाल है, ये सवाल आप जरूर पूछिएगा ज्वाइनिंग करवाने से पहले। नंबर वन, क्या सवाल हो सकता है, एक नंबर जो सवाल होगा वो है कि भाई आप बड़ा कुछ करना चाहते हो क्या, बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हो क्या। अगर इसके जवाब में हाँ आता है तो नेक्स्ट सवाल पूछिए, नहीं तो यहां से आप लग जाए, ज्वाइनिंग नहीं करवाना है, प्लान नहीं दिखाना है, प्लान बहुत
इम्पोर्टेंट चीज है, वो तो हमारे लिए सोना का खदान है, तो प्लान नहीं दिखाना है। बस एक ही सवाल पूछिए कि भाई बहुत बढ़िया कुछ करना चाहते हो क्या, अगर ना होता है तो दूसरा सवाल पे नहीं जाना है, अगर ये हाँ होता है तो सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो आप पूछ लीजिए कि आप हर रोज 2-3 घंटा दे पाओगे क्या। अगर वो हाँ कहता है तो अभी आप जाके प्लान में आइए और प्लान देखने के बाद वो ज्वाइन करेगा। तो ऐसा है, ऐसा आप 20 लोगों का ज्वाइन करवाते हैं ना तो आपका जिंदगी बदल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। गुड मॉर्निंग इज दी वेज, मैं मनोवर इकबाल, डायमंड डायरेक्टर, नवादा बिहार का रहने वाला हूँ। मैं अपने अचीवमेंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि कैसे मैं इस कंपनी में डायमंड डायरेक्टर बना। मेरा एक ही लक्ष्य था, काम करते रहना है और सर के बताए गए रास्ते पर नॉलेज लेते रहना है। कहते हैं ना, नॉलेज लेने के लिए चीन जाना पड़ेगा, लेकिन अभी चीन नहीं जाना, कोरोना फैला हुआ है। लेकिन कहावत में था कि भारत का जो भी कंपिजन होता था वो चीन से होता था। पहले भी लोग कहते थे, जैसे हमारे भारत ने चीन को एक बार हासिल भी किया था, हमेशा कंपटीशन जो हमारा चीन से ही चलता है। आपको अपना इसलिए बता रहा हूँ कि हमको सर ने हमेशा, मैं ट्रेनिंग लेता हूँ सर का, जहाँ जहाँ सर का प्रोग्राम होता है मैं वहाँ जाता हूँ और लगातार उसका ट्रेनिंग ले लेकर उनके बताए गए रास्ते का मैं पालन कर रहा हूँ और इस कारण करते रहा मैं सफायर डायरेक्टर बना। लेकिन डायमंड डायरेक्टर का मुझे पता नहीं, एक दिन मैसेज आया कि डायमंड डायरेक्टर। तो मुझे कहते हैं ना, इंसान को अपना गाछ में पानी सींचते रहना चाहिए, फल तो मिलेगा ही। सर ने मुझे डायमंड डायरेक्टर बनाया, बहुत खुशी हुई कि मैं 2019 में डायमंड डायरेक्टर बन गया। और मैं यहाँ से जब गया, मुझे हमारे कंपनी ने मुझे टूर दिया, वहाँ मुझे उन्होंने सर ने सम्मानित किए, तो दिल में मुझे लगा कि और भी अभी पाना ज़रूरी है, और भी मुझे लेना है अचीवमेंट। लेकिन उसके बारे में मुझे ये नहीं सोचना है कि कब मुझे मिलेगा, मुझे बस काम करना है। अभी लॉकडाउन के का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन में सर ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं एक ही मैसेज देना चाह रहा हूँ अपने इजियंस को कि कहते हैं ऋषि मुनि लोग जो देते थे आपको अपनी ज्ञान की प्राप्ति, तो जंगलों में जाना पड़ता था, घने जंगलों में। अब तो हम लोग घर पर बैठे हुए हैं, अपने अपने घरों पे हैं और सर दिल्ली से बैठ करके, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कितना डेवलप है कि घर बैठे सर का ज्ञान ले रहे हैं और उसकी बारे में जानकारी मिल रही है। तो कहने का मतलब है कि मैं इस कंपनी से 2 कार्यचीफ किया, एक मैडम और एक मैं। 2019 में 10 अक्टूबर को मुझे कार मिला और नेटवर्क द्वारा मैं लगातार काम कर रहा हूँ। अभी भी लॉकडाउन है लेकिन लोग हमारे पास में मार खा के भी आते हैं कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। क्यों कि इतना अच्छा सर ने प्रोडक्ट बनाया है, वो आयुर्वेद पे इतना सारा यकीन करते हैं कि वो अंग्रेजी दवाइयों का लेने का इतना सारा बीमारी कहते हैं, लेकिन बोले नहीं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम, पाचन शक्ति और हमारा जो ताकत, कोई भी बीमारी हो सर ने बनाया। और हमारा भी हाईएस्ट जो है सेलिंग 50,000 रुपये गया है और सर ने कहा कैपिंग करना है। कारण कि जितना सारा गाछ लगाएंगे आने वाले समय में उतना फल। कैपिंग का यही अर्थ है कि आपको इतने से ज़्यादा लोगों को ज्वाइनिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करने का। ये तो MLM का दो ही मकसद है, एक नेटवर्क, दूसरा सेलिंग, एक सिक्का का दो पहलू, दोनों का काम है। कहते हैं कि अकेला अगर ये बंद है तो ये चालू हो जाएगा। जितना सारा हम सेल बढ़ाएंगे हमारा ग्रोथ उतना डेवलप करेगा। और उम्मीद है कि 2020 में अपने ग्रुप से 1,00,000 रुपया पर डे सेल कराने का मैं बीड़ा उठाया हूँ। और अभी हमारा हाईएस्ट 50,000 रुपया अपने ग्रुप से गया, लेकिन हमारी मैडम यहाँ काम कर लेती है, लगभग 30,000
पर डे और बाकी हमारे ग्रुप से। तो बिजनेस जितना हम सेल का भी बढ़ा रहे हैं और आप लोगों को भी बता रहे हैं कि आप भी सेल करने का इतना सारे सारे नॉलेज दे रहे हैं, इतना सारे नॉलेज दे रहे हैं, इतना सारा अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, इतने प्रोडक्ट के बारे में, ये सारे नॉलेज लेकर शेयर करेंगे। और जो भी आज हम हैं इस इजी वेस का ही देन है, हमारे पास तो है। लेकिन आज हमारा जो ये ब्लड जो हमारे शरीर में चल रहा है ये इजी वेस का है। मैं जो मुस्कुरा रहा हूँ इस लॉकडाउन में भी, तो इजी वेस का ही देन है। आप भी इसी तरह मुस्कुराएं, कहें ना फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप। अब राज की बात बताना ही बता रहे हैं तो बता देते हैं, 4 लाख से ऊपर ही मंथली हमारा प्रॉफिट आ जाता है सेल से, ज्वाइनिंग से। ताकि मैं, हमारा एक ही मकसद है, मैं रात में बनाता हूँ कितने लोगों से मिलना है, गरीब से मिलना है तो बेचारे उनको किस तरह का प्रोडक्ट देना है, अमीर से मिलना है तो किस तरह प्रोडक्ट देना है। अगर इस तरह का रात में बना लेंगे तो। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम एक अद्भुत औषधि के बारे में आपके साथ बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर इस औषधि को अपने अपने जीवन शैली में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया तो आपको बहुत ही इसके लाभ मिलेंगे। तो दोस्तों हमारे देश में तुलसी को एक बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है, हर घर में तुलसी पाई जाती है और देवी देवता की तरह इसे पूजा जाता है। धार्मिक दृष्टि के साथ साथ स्वास्थ्य दृष्टि से भी तुलसी के बहुत फायदे हैं। आयुर्वेदा में युगों युगों से बहुत से आयुर्वेद औषधियां बनाने में तुलसी का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों तुलसी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और तुलसी हमारे शरीर के लिए एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल एजेंट का काम भी करती है। तो आइए जानते हैं तुलसी के फायदे। अगर आपको लूज मोशन हो जाए तो तुलसी में जीरा और शहद मिलाकर पीने से लूज मोशन बहुत जल्दी आराम मिलता है। तुलसी हमारे शरीर में कैंसर सेल को बनाने से भी रोकती है। अगर आपको बुखार हो गया है, या बुखार चाहे मलेरिया का हो या नॉर्मल इन्फेक्शन का, तुलसी का सेवन करने से दोनों में ही 100% मदद मिलती है। अस्थमा और डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी तुलसी एक रामबाण का काम करती है। तुलसी ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करती है। अगर आपको सर्दी जुखाम या खांसी हो गई है तो भी आप तुलसी को लो, वो बहुत ही आपके लिए उपयोगी साबित होगी। दोस्तों आंखों की दृष्टि के लिए और आंखों की हर तरह की प्रॉब्लम को ठीक करने में भी तुलसी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तुलसी हमारे बॉडी का इम्यूनिटी लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। जैसे वायरल जुकाम, बुखार, ये सब शरीर पे असर दिखाना बहुत कम कर देती है। तो दोस्तों कोरोना वायरस से बचने के लिए भी, हमें इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए तुलसी बहुत ज़्यादा कारगर इसमें साबित हो सकती है। बहुत सारे लैब्स में टेस्ट करने के बाद 5 तरह की तुलसी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मानी गई है, जिन्हें पंच तुलसी कहा गया है। तुलसी किस प्रकार हमारे बॉडी का 75% जल शुद्धिकरण करती है। यूनाइटेड किंगडम में ग्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल के दौरान पाया गया है कि डिफरेंट टाइप्स की तुलसी पत्तियों के अर्क से जो बैक्टीरिया और वायरल जो प्रॉब्लम है उनसे बचा सकती है और इससे बॉडी के अंदर आए हुए इम्प्योर वाटर को भी प्योर किया जा सकता है। तो दोस्तों पूरे वर्ल्ड में तुलसी की बहुत सी प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें से 5 प्रकार की तुलसियों को टॉप क्लास माना गया है, जैसे कि राम तुलसी, स्वीट तुलसी, कृष्णा तुलसी, वन तुलसी एंड अर्जक तुलसी। इन सभी तुलसियों के अर्क के कम्बिनेशन से आरोग्य वाटिका ने पंच तुलसी को बहुत ही शानदार टेक्निक से बनाया है। दोस्तों इसकी नियमित 2-4 बूंदे दिन में इस्तेमाल करने से आप बहुत सारी वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं और आप अपने साथ साथ अपने परिवार को भी आरोग्य कर सकते हैं, अपने परिवार को निरोग कर सकते हैं। तुलसी के नियमित सेवन से आप अपने परिवार, अपने संबंधियों, अपने जितने भी नियर्स एंड डियर हैं सबको
इसके लाभ पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि तुलसी का सेवन कीजिए, जितना हो सके अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट कीजिए, ताकि भविष्य में कभी भी आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम से जूझना ना पड़े। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग इजवेस, मेरा नाम राजशेखर है, मैं आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा से बात कर रहा हूं। मैं इजवेस में आके 8 महीने हो चुका। ये 8 महीने में मैं बहुत सीखा इजवेस से। मैं उत्तराखंड टूर किया और गोवा टूर भी किया और दुबई टूर भी किया। ये टूर में बहुत नॉलेज ले चुका मैं, यह प्रोडक्ट का बारे में और हमारा सिस्टम का बारे में। मैं इजवेस में आने के इसमें मैं कम से कम 3 लाख तक कमाया और मैं एमराल्ड डायरेक्टर बना हुआ। अभी आगे मैं प्लान करके काम कर रहा हूं। मैं आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का पूरा मेरा टीम है। मैं बहुत टीम तेलंगाना में मैं काम कर रहा हूं, बहुत ज्यादा टीम में मेरे को तेलंगाना में है। और मैं इजीवेस में प्रोडक्ट के बारे में बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। अभी वोलियो हम ले रहा हूं, एवरीडे वोलियो ले रहा हूं, क्योंकि मैं शुगर पेशेंट हूं। एक्चुअली मैं 4 साल से इंसुलिन में होने वाले हूं। कब मैं वोलियो ले रहा हूं तब से मेरा बॉडी वेरी मच एक्टिव हो रहा है। वही तो पहले हमारा डायबिटिक के कैप्सूल्स भी ले रहा हूं, करेला जूस का कैप्सूल्स, वो बिल्कुल मेरा एनर्जी बिल्कुल बहुत अच्छा है। वही तो मैं इंग्लिश मेडिसिन को भी छोड़ के पूरा हमारा इजीवेस का प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूं, क्योंकि पहला एग्जांपल मैं हूं मेरा टीम के बारे में, मेरा कस्टमर्स के बारे में, क्योंकि उतना अच्छा रिजल्ट देने का प्रोडक्ट्स हमारे पास है। मैं कोशिश कर रहा हूं दिस ईयर में 2020 में डायमंड डायरेक्टर बनने का, 2020 दिसंबर का तक मैं डायमंड डायरेक्टर बनने का होने का मैं कोशिश कर रहा हूं। ये हमारा एमडी साहब का ट्रेनिंग बहुत अच्छे से मिल रहा है। यह अभी कोरोना का टाइम में भी हमारे को बहुत अच्छा मौका मिला। यहाँ नया टेक्नोलॉजी भी हम सीख रहा हूं का हमको पता नहीं। अभी ये मैं मीटिंग के लिए जूम कैसा वो परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी में इम्तिहान होता है। हिम्मत करने वालों को कुछ नहीं मिलता है यारो, और मुश्किलों में लड़ने वालों के कदमों में तो सारा जहान होता है। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों आपकी लाइफ में अगर आप प्रोग्रेस चाहते हैं, अगर आप कामयाबी चाहते हैं, अगर आप सक्सेस चाहते हैं, उसके लिए आपके रास्ते में दो ऐसी चीजें जिनके अगर आप साइड कर देते हो अपनी लाइफ से, तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हो, आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, सबसे पॉइंट नंबर 1, कि आपको अपने लाइफ के अंदर अनसेटिस्फाइड होना पड़ेगा। अनसेटिस्फाइड मीन्स आपकी जो लाइफ इस टाइम है, आपको उससे असंतुष्ट होना पड़ेगा। दोस्तों जो भी लोग अपनी लाइफ से संतुष्ट हो गए हैं, वो लाइफ में बड़ी प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक आदमी अगर वो साइकिल के ऊपर संतुष्ट है, तो वो कभी मोटरसाइकिल नहीं ले सकता। अगर मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल पे संतुष्ट है, तो वो कभी कार नहीं ले सकता। और कार वाला अगर सिर्फ कार के ऊपर संतुष्ट हो जाए, तो वो कभी बड़ी कार नहीं ले सकता। दैट मीन्स कि संतुष्टि जीवन में आपकी सक्सेस को रोक देती है। तो आपको जिंदगी में अगर बड़ी सक्सेस चाहिए, तो आपको संतुष्टि करना नहीं है, आपको असंतुष्ट रहना है। दोस्तों जो भी लोग अपनी लाइफ में संतुष्ट हो जाते हैं, उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रोग्रेस डे बाई डे इंक्रीज हो, तो आपको असंतुष्ट रहना है उसके साथ साथ। अब जब असंतुष्ट रहेंगे, और कहा जाता है, कहते हैं गुड लाइफ इज द एनिमी ऑफ ए ग्रेट लाइफ।
एक अच्छी जिंदगी, एक शानदार जिंदगी की दुश्मन होती है। जो आप अभी जिंदगी जी रहे हैं, इससे भी कई गुना ज्यादा शानदार जिंदगी आप जी सकते हैं। उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, पॉजिटिव एफर्ट्स, पॉजिटिव मेहनत करके आप अपनी लाइफ में वो सब चीजें कर सकते हो। लेकिन आपको सेटिस्फाइड नहीं होना है। जो भी इंसान सेटिस्फाइड हो जाते हैं, यानी कि सेटिस्फाइड आदमी की डेथ हो जाती है। सेटिस्फाइड इंसान जो है वो लाइफ में डेड बॉडी के समान होता है। जो अनसेटिस्फाइड है वो डेली प्रोग्रेस करेगा, डेली कुछ ना कुछ एफर्ट करेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हमें एक डिजायर होनी चाहिए, हमारे अंदर एक डिजायर होनी चाहिए, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों एक बार एक राज्य के अंदर एक साधु महात्मा ने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए, राजा उनसे बहुत प्रसन्न हुए। तो राजा ने डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। तो जितने भी राजसी भोजन थे तो राजा साधु महात्मा के सामने परोसे गए। तो साधु महात्मा बोलते हैं काश वो होती तो, मतलब वो भोजन नहीं करते हैं और वो वहां से बोलते हैं काश वो होती तो। महाराज काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि काश वो कौन होती तो वो फिर वही बात बोलते हैं कि भाई काश वो होती तो। राजा ने सोचा कि कोई और डिश की डिमांड है, तो वो तरह तरह की डिशेस उनके लिए लेके आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, पूरे राज्य से लेके आते हैं। तो फिर उनके सामने परोसी जाती हैं और साधु महात्मा बोलते हैं काश वो होती तो राजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते, कहते महात्मा आप ही हमें बताइए काश वो होती तो क्या। वो फिर बोलते हैं काश वो होती तो, कहते काश क्या होती, काश मुझे भूख होती तो मैं इस भोजन को ग्रहण कर लेता। दैट मीन्स कि अगर आपके लाइफ में आपको भूख ना हो, आपके अंदर कोई तलब ना हो, आपके पास कोई डिजायर ना हो, कोई ड्रीम ना हो, तो आपके सामने कुछ भी अपॉर्चुनिटी आ जाए, साक्षात लक्ष्मी भी आपके सामने आ जाए, आप उसको ग्रहण नहीं कर पाओगे। क्योंकि विदाउट ड्रीम आदमी की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, विदाउट टारगेट विदाउट गोल एक आदमी की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। तो वैसे ही अगर आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर एक भूख क्रिएट करो, एक डिजायर क्रिएट करो, फिर उस डिजायर को पाने के लिए उसके पीछे लग जाओ और अनसेटिस्फेक्शन अपनी लाइफ में रखो। जब तक आप अनसेटिस्फाइड हो आप प्रोग्रेस करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग इजीवेज, हाउ आर यू? आई होप कि मेरी तरह आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सबके लिए भी यही कामना करती हूँ, यही दुआ करती हूँ कि आप सब भी, हर कोई अपने अपने घर में खुश रहे, स्वस्थ रहे, मंगलमय रहे। आज मैं जो शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ कुछ छोटे से टिप्स कंपनी को लेके, बहुत अहम भूमिका है। कंपनी का प्रोफाइल मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ, जिस प्रोफाइल की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं हूँ ग्रेशी, वेस्ट बंगाल से डायमंड डायरेक्टर। मैं कैसे यहाँ तक पहुँच गई और क्या वजह है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो जो मैं जानी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ नहीं, बस कंपनी का एक छोटा सा प्रोफाइल। ये जो प्रोफाइल है, ये जो बुक है, इस प्रोफाइल के जरिए मैं कंपनी का बस प्रोफाइल को बताते गई लोगों को, और क्या है हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। हमारी कंपनी 2001 में स्टार्ट हुई। सभी को पता है कंपनी में 160 प्रोडक्ट है हमारा, और यहाँ पे 2000 से ज़्यादा कार अचीवर्स हैं। दोस्तों सचमुच में बहुत बड़ी बात है, 2000 से ज़्यादा कार अचीवर्स होना बहुत बड़ी बात है। 600 से ज्यादा हमारे पास करोड़पति है, और तो और 75 लाख आईडीज हैं, 45 लाख यूजर्स हैं। तो बहुत हैरानी वाली बात है कि इतनी सारी चीजें हमारी कंपनी में हैं। हमारी कंपनी में और भी बहुत कुछ, जैसे 2008 में हमारी कंपनी बिहार स्मिता सम्मान से सम्मानित किया गया इसे। और यदि कंपनी का पूरा सारा सिस्टम को यदि मैं देखना शुरू करूं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें है जो कि आप सब भी देख के हैरान हो जाएंगे दोस्तों। तो यदि मैं सारी चीज़ें आपको अभी और इसी वीडियो पे बता दूं ना, तो आपके भी ना होश उड़ जाएंगे।
तो चलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ इतना कि मैंने 6,000 रुपये दे करके इस कंपनी को ज्वाइन किया था अपने लिए, अपनी प्रॉफिट के लिए, अपने कुछ प्रोडक्ट के लिए, अपनी जरूरी जो मेरी जरूरत था, जो मेरी नीड थी उसके लिए। और इसी से आज मैं कैसे डायमंड डायरेक्टर तक पहुंच गई, आज मेरा जो पे आउट है कैसे इतना ज़्यादा हो गया। डायमंड डायरेक्टर का पे आउट सभी को पता है 3.5 से 4 लाख रुपया, तो मैं शायद महीने में खर्च करके ख़त्म भी नहीं करती हूँ कि दूसरा पे आउट बन जाता है। तो सचमुच दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है आप सबके साथ मिलके और अपनी सारी बातों को आपके साथ शेयर करके। और जब हम मिलेंगे आपसे तो और भी और मज़ा आएगा आपको, क्योंकि हम आपको अपनी कंपनी का सिस्टम, अपनी कंपनी का प्लान सब कुछ बताने वाले हैं। और आप सुनेंगे ना तो आप भी हैरान हो जाएंगे मेरी तरह, क्योंकि मैं आज जितना कुछ भी बोल रही हूँ या मैं जहाँ तक पहुँची हूँ, इसके पीछे हमारी कंपनी के CMD सर मिस्टर एन शाह सर का हाथ है, जिन्होंने एक बच्चे की तरह मुझे अभी तक जो भी मैंने सीखा है उन्होंने मुझे बड़ी बहुत ही बारीकी तौर पे सिखाने की कोशिश की है। हर बार मैं गलती की हूँ, हर बार उन्होंने मुझे सिखाया और सीखती गई। शायद सीखने का कारवां कभी ख़त्म नहीं होता है और मैं सीखती चली जाऊँगी और जो मैं सीखूँगी आपसे भी शेयर करूँगी दोस्तों। तो क्या आप सब तैयार है मेरा अगला प्रोग्राम सुनने के लिए? इसके बाद मैं आपसे प्लान शेयर करूंगी। ओके, ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग इज़ माय सेल्फ जगदीश दत्तनाथ फ्रॉम त्रिपुरा। आज के नेटवर्क मार्केटिंग সম্পর্কে একটা বিষয় আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর অনেকগুলো পার্ট আছে, যে পার্টগুলো আমরা এক এক ধাপে ধাপে শিখতে হয়। তার মধ্যে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ইনভিটেশন। তো ইনভিটেশন কিভাবে করতে হয় অনেক সময় অনেকেই শিখিয়েছেন, তার মধ্যে আমি যে বিষয়টা পেয়েছি সেটা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। যেভাবে ইনভিটেশন করলে আপনারা সাকসেস রেশিও 100% আসবে সেই বিষয়টা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। যদি আপনি দেখুন আজকের দিনে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং নাম শুনলে, মাল্টি লেভেল মার্কেটিং নাম শুনলে, কিংবা আপনার MLM নাম শুনলে, চেইন সিস্টেম মার্কেটিং নাম শুনলে, কেউ কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হয় না। তাই আপনি যখন ইনভিটেশন করবো, অবশ্যই এখন আজকের যুগে মানুষ ওভার টেলিফোনে আমরা ইনভিটেশন করি। তো ইনভিটেশন করতে গেলে প্রথমে যদি আমি বলি, স্যার আমি একটা চেইন সিস্টেম মার্কেটিং আপনার সঙ্গে কাজ করতে চাই, আপনি কি আপনাকে সময় দিতে পারবেন? যদি বলেন আপনি যে স্যার আমি তো একটা মাল্টি লেভেল মার্কেটিং করি, আপনি কি সময় দিতে পারবেন? যদি বলেন যে আমি একটা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করি, একটা কোম্পানিতে কাজ করি, কেউ কিন্তু আপনাকে শোনার জন্য রাজি হবে না। তো আপনি কিভাবে ইনভিটেশনটা করবেন? আজকালকে দেখবেন যে আপনার বাড়িতে যদি কেউ আসে নিমন্ত্রণ দেন, তাও লোকের সময় নেই। তো আপনি কি করতে হবে, আপনি ওনার সঙ্গে সময় চিনতে হবে যে কিভাবে। যদি কোনো অবস্থাতে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং, মাল্টি লেভেল বা চেইন সিস্টেম বলে, তাহলে কিন্তু নো এন্ট্রি। তো সুতরাং আপনি কিভাবে বলবেন যে দাদা, হ্যাঁ যদি আপনার বাড়িতে ইনভিটেশন করতে চান তাহলে একটা সিস্টেম, আর যদি ওনার বাড়িতে যেতে চান তাহলে একটা সিস্টেম, দুটোই আমি আপনাদের সামনে বলছি। যদি ওনার বাড়িতে যেতে চান তাহলে বলবেন দাদা আপনি কোথায় আছেন, হ্যাঁ আপনার কি 1 ঘন্টা বা 10 মিনিট বা 15 মিনিট বা 20 মিনিট বা আধা ঘন্টা সময় হবে, আমি এক্ষুনি আপনার এখানে আসবো, বা কখন সময় হবে? তো উনি তো আজকে হয়তো বা সময় নেই বলবেন, কালকে সময় নেই বলবেন, পরশু দিন সময় নেই বলবেন, কিন্তু একবার আপনাকে সময় আছে বলতে হবে। তো এইভাবে উনি ওনার সঙ্গে আপনি সময়টা নিয়ে নিন এবং সেই সময় আপনি ওনার বাড়ির থেকে পৌঁছে যান। এবং যদি উনি 4:30 সময় দেন, আপনি 4:30 কিন্তু 5 মিনিট আগে গিয়ে সেখানে পৌঁছতে হবে উইথ ইউর আপলাইন। তো ইনভিটেশন যদি সঠিকভাবে করতে পারেন তাহলে আপনার আপলাইন কিন্তু বাকি প্ল্যানটা দেখিয়ে দেবে। আরেকটা বিষয়ে যদি বলি আপনি কিভাবে ইনভিটেশন করবেন, আপনি খুবই স্পিডি উইদিন 30 সেকেন্ড অথবা 1 মিনিটের মধ্যে আপনি কিন্তু ইনভিটেশনটা সেরে নিতে হবে। কিভাবে? যে হ্যালো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, যদি মনে করেন ওনার নাম হচ্ছে সুমন, বলে এই সুমন কোথায় আছো? তো বললো আমি এখন একটু বিজি আছি। তোমার সাথে কি একটু কলম আর কাগজ আছে? খুব তাড়াতাড়ি বলবে হ্যাঁ হ্যাঁ আছে। তো কলম কাগজ দিয়ে ও নিলে বলে একটা, আমি একটা অ্যাড্রেস বলছি সেটা তাড়াতাড়ি নোট করো। তো এই অ্যাড্রেসটা যখন সে নোট করবে দেখবেন তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন যে ও আপনার প্রতি ইন্টারেস্টেড আছে, আপনার কথায় সে কাজ করবে। তো সে এই অ্যাড্রেসটা নোট করলো, নোট করার পরে বললেন আপনি কালকে ঠিক 4:30 মধ্যে এই জায়গায় তোমাকে এসে পৌঁছতে হবে। এইভাবে যদি ইনভিটেশন করে তাহলে সেই লোকটা আপনার এখানে
আসবে এই হচ্ছে ইনভিটেশন করার দুটো তিনটা আমি সিস্টেম আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম আরো অনেক সিস্টেম আছে আপনারা যারা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর কাজ করেন আপনারা এক্সপেরিয়েন্স আছেন আপনারা ভালোভাবে জানেন কিভাবে ইনভিটেশন করতে হয় তো এইভাবে ইনভিটেশন করলে আমি শিওর সে আপনাকে টাইম দেবে এবং এই ইনভিটেশনের মাধ্যমে সে প্রায় 90% আপনার সঙ্গে ডান হয়ে যাবে সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ हाय फ्रेंड गुड मॉर्निंग इज यूएस मैं राजेश शाह बेसिकली मैं अगरतला से बिलोंग करता हूँ हर दिन की तरह आज भी एक कहानी लेके आया आज भी एक स्टोरी लेके आया एक पायलट की कहानी एक टाइम की बात है एक दिन एक पायलट एक पैसेंजर के साथ झगड़ा हो गया पैसेंजर ने बोला पायलट को पायलट होना की बड़ी बात है क्या फ्लाइट में हर तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मौजूद है जो तुम्हें बताते हैं कैसे फ्लाइट को उड़ाना है उस समय पायलट चुपचाप रहा और कुछ नहीं बोला फ्लाइट जब बीच आसमान में था अचानक पायलट को पता चला उसको फ्यूल खत्म हो गया फ्लाइट का तो उन्होंने उस टाइम उन्होंने एयरपोर्ट में फ़ोन किया एयरपोर्ट वालों ने बोला था इस टाइम हम आपको कोई हेल्प नहीं कर सकते सर सॉरी है हमें आपके फ्लाइट में 22,000 फ्यूल डाला था डालने के लिए बोला था बट हमने 22,000 पाउंड फ्यूल उस कंपेरिजन लो आधा है फ्यूल डाला था तो आप लोग हमारी आप लोगों को हमें हमारे एरिया से बहुत दूर हो तो आप हमारी कोई हेल्प नहीं कर आप लोगों को हमें कोई हेल्प नहीं कर सकते तभी फ़ोन कट गया था फ्यूल ख़त्म होने की वजह से फ्लाइट की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो भी फ्लाइट के अंदर होता है सारे बंद हो गया फ्लाइट को पता ही नहीं पायलट को पता ही नहीं फ्लाइट कहाँ जा रहे कहाँ चल रहे तो तब उन्होंने अचानक नज़र आया नीचे एक खाली फील्ड लेकिन कैसे उसको उतरेंगे फ्यूल तो ख़त्म हो गया तो अभी पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी पायलट के हाथ में पायलट पूरा अगर एक गलत फैसला तो सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है सबकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है तो पायलट ने अभी क्या करना है पूरा दम लगा के पूरा एक्सपीरियंस लगा के उन्होंने एक डिसीजन लिया उतरने की और फ्लाइट को सही तरीके से सही से लैंड किया तो सब ने बोला थैंक्स गॉड और सही पैसेंजर हल्का फुल्का मामूली चोट लग गया तब उस पैसेंजर ने आके पायलट को बोला मैं ही गलत था तो पायलट ने पैसेंजर को बोला जब आप एक चीज को बार बार करोगे तब आप उस चीज के मास्टर हो जाओगे दोस्तों मुझे आपका 1,000 काम से डर नहीं लगता जो आप सीख रहे हो मुझे आपका एक काम से डर लगता है जो आप बार बार करते हो ऐसे जैसे हमारी इजीवेज का CMD मिस्टर एन शाहजर हर दिन वेबिनार में जिस तरीके से जो लोग जो टॉपिक सिखाते हैं जो तरीका सिखाते हैं जो हैबिट को चेंज करने के लिए बोलते हैं इसके बाद सर कहते हैं हर दिन 5 प्लान शो करना हर लोगों को हर दिन आपको 5 फॉलोअप करना हर दिन आपका टीम के साथ 5 मीटिंग करना है अगर हम उसी चीज़ के ऊपर हम हर दिन हम प्रैक्टिस करते रहेंगे हर बार प्रैक्टिस करेंगे जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो हम एक दिन अच्छा लीडर बन पाएंगे अच्छा पावरफुल सक्सेसफुल लीडर बन रहे अच्छा बिजनेसमैन बन पाएंगे अच्छा क्राउन बन पाएंगे अच्छा डायमंड बन पाएंगे दोस्तों सर हम लोगों को
हमेशा कोशिश करते हैं ऊंचाई पे ले जाने के लिए, बट हमें भी हमारे अंदर भी वो जज्बा होना चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए, तब भी हम ऊपर चढ़ सकते हैं। सर हमेशा ऊपर से हम लोगों को खींचते हैं, चल ऊपर चलो, ऊपर चढ़ाने के लिए मंजिल तक, बट हमें भी एक हमारे अंदर भी हर इंसान के अंदर भी एक कोशिश होना चाहिए, हमें ऊपर चढ़ना है। तो दोस्तों आज के लिए यह है, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम गीता विश्वास है और मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। हर रोज़ की तरह आज भी मैं आज आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आज का टॉपिक है मीटिंग, मैं मीटिंग के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। जो ये राय सर ने जो वेबिनार स्टार्ट किया है, इसमें डेली मीटिंग होता है हम लोगों का, तो इसमें डेली का नया नया टॉपिक देते हैं, तो हम लोग इससे कुछ सीख पाते हैं और हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब लोग मीटिंग अटेंड करें और इससे कुछ नया नया सीखिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। हम लोग मीटिंग अटेंड करेंगे तो ही ना ये बिजनेस आगे ले पाएंगे, लेके जा पाएंगे और हम सब लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और रोज़ नया नया वीडियो बनाइए और राय सर को एमडी सर को शेयर कीजिए। तो ये लॉकडाउन तो अभी आगे बढ़ेगा ही, इसमें और भी हम लोगों को घर बैठे बैठे वर्चुअल क्लास मिलना चाहिए, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग नया नया वीडियो बनाइए और सेंड कीजिए ताकि हम लोगों का मीटिंग ऐसे ही आगे चलता रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग इज यूएस, मैं राजेश शाह हूँ, एक छोटा सा योद्धा इस यूएस मिशन का। फ्रेंड्स अभी इन दिस टाइम आशा करता हूँ आप लोग सेफ हो और घर पे शांति से रह रहे हो। फ्रेंड्स ना जाने क्यों मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, कह सकते हैं पागलपन, कह सकते हैं प्यार, हाँ मुझे यूएस से बहुत प्यार हो गया, मैं दिल से यूएस को करता हूँ। मैं जब जब सांस लेता हूँ मुझे यूएस का अंदर आ जाते हैं, यूएस सांस के साथ यूएस अंदर आ जाते हैं। जब जब सांस लेता हूँ जब जब यूएस आ जाते हैं, यूएस सांस के साथ यूएस मतलब आना। यूएस में तुलसी है, गिलोय है, अमृता है, आंवला रस है, ओलियो है। तो जब ये चीज़ मेरे अंदर आ रहा है तो मुझे कोई इन्फेक्शन से कोई डर नहीं है, ना मुझे कोरोना वायरस से कोई डर है, क्योंकि मैं पहले से अंदर से प्रोटेक्ट हूँ। मैं जब जब पानी का टैप खोलता हूँ लगता है पानी की जगह सैनिटाइजर गिर रहा है, सैनिटाइजर हाथ में आना, तो कोई इन्फेक्शन से कोई डर नहीं। मैं मेरे जैसा आपको भी ऐसे हो रहे हैं, मेरे जो दिल से यूएस को प्यार करते हैं, हिंदुस्तान में हमारी फैमिली में यूएस फैमिली में जितने भी मेंबर हैं जो दिल से प्यार करता है, इसे दिल से करते हैं यूएस, सबको ऐसे ही हो रहा है। तो किसी मेंबर को किसी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है, जियो जिंदगी, अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जियो, किसी से डरने की जरूरत है नहीं। हाय फ्रेंड, मेरा जिंदगी जितने भी सपने थे सब कुछ पूरा होने लगा यूएस से। मेरे जैसा आपको भी जितने भी अधूरे सपने थे सब पूरा हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपने सपनों को लेके सीरियस है, कमिटेड है, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। आज हमारी अपनी सपनों के लिए हमारी कंपनी की CMD मिस्टर एन शाह सर एंड हमारे गुरु क्राउन डायरेक्टर मिस्टर SB रॉय एंड सलाउद्दीन सर एंड लीडर्स, अच्छे अच्छे लीडर्स मिलके हम जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं। इसलिए हर दिन अच्छा अच्छा टॉपिक लेके आ रहा है जूम में मीटिंग वेबिनार पे।
हमारी सपनों को साकार करने के लिए, हमारे मिशन को कामयाब करने के लिए, कामयाब बनाने के लिए। माय डियर फ्रेंड, चलो हम सब इजुएंस मिलके इस मिशन में कामयाब बनाने के लिए हाथों हाथ मिला के चलो आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग इजुएंस, मैं प्रदीप सेन अगरतला से बोल रहा हूँ। कल जो वेबिनार सेमिनार था बहुत ही ज़बरदस्त था, कमाल था सर। कल रॉय सर ने हम लोगों को ऐसा ट्रेनिंग दिया है, हमको लगता है ये आगे जाके हम बिजनेस को बहुत ही फायदा आ सकता है। ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टिंग कैसे किया जाता है वो सिखाया था कल हम लोगों को, जो फेसबुक व्हाट्सएप मैसेंजर के द्वारा हम लोग बिजनेस को प्रमोशन कर सकते हैं, बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं सर। तो थैंक यू सर। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं ये तो कल से ही शुरू कर दिया प्रमोशन, आगे भी करूँगा सर। और मेरे को लगता है कल जो जो लोग इस सेमिनार में वेबिनार मीटिंग में अटेंड किया है सब लोगों ने ये शुरू कर दिया, और मेरा टीम पे बहुत लोग के साथ मैंने कल ये शेयर भी कर चुका हूँ सर, जो व्हाट्सएप फेसबुक मैसेंजर के द्वारा प्रमोशन करने के लिए मैं तो कल से शुरू कर दिया सर। मैंने बिजनेस व्हाट्सएप वो भी मैंने डाउनलोड कर लिया, बहुत सारा प्रोडक्ट उसमें अपलोड भी कर दिया सर। तो आज भी ट्रेनिंग है, हम लोग अटेंड तो करेंगे ही। बहुत लोगों के साथ रेस्पॉन्स आ रहा है अभी, जो पिछले 10-12 दिन से हम लोगों को जो वेबिनार मीटिंग मिल रहा है बहुत बढ़िया सर। मैं इजीएस मैनेजमेंट को एक धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि रॉय सर और शाह सर ने जो ये कदम उठाया हम लोगों को, सारा इंडिया का जो लीडर है हम लोग एक साथ बैठ के इतना बढ़िया मीटिंग हो रहा है। हम लोग, हमको लगता है हम लोग घर पे नहीं है, कोई इजीएस का सेमिनार चल रहा है, मैं लाइव उसमें ये ट्रेनिंग ले रहा हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, और आप सबके लिए हमेशा यही दुआ करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे रहें। अभी मैं बात करूँगी, कुछ नए टॉपिक पे बात करूँगी, क्योंकि सारे लोग घर में ये लॉकडाउन में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा हर लीडर में थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी आ रही है, थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं। तो मैं हमेशा से ओलियो पीती हूँ, इजी वेज कंपनी का ओलियो पीती हूँ, और इसीलिए मैं हमेशा से पॉजिटिव रहती हूँ। तो मैं पॉजिटिव वे पे ही बात करूँगी आपसे। तो क्या आप सब तैयार हो? मैं हूँ ग्रेशी, वेस्ट बंगाल से डायमंड डायरेक्टर और कंपनी की बीडीएम। मैं बात करूंगी अभी कि ये हमारे अंदर जिद, ये जो होता है ना, सपने होना, डिजायर होना, अपने अंदर जिद होना, ये क्या है? तो सारे टॉपिक पे तो हम एक दिन में बात कर नहीं सकते क्या? तो आज हम बात करेंगे जिद। यदि अपने अंदर जिद हो, यदि अपने अंदर जुनून हो, यदि अपने अंदर कुछ भी कर गुजरने की इच्छा हो, तमन्ना हो, तो हम कुछ भी कर जाते हैं। जैसे कि मैं इस कंपनी में जब आई, तो कंपनी में काम करना या कंपनी में मैं जॉब के लिए आई या फिर मुझे एमएलएम का कुछ करना, ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। मैं बिल्कुल एमएलएम हो या नेटवर्किंग हो, उसका एंड भी मुझे पता नहीं था। लेकिन सच कहूं तो यहां पे, यहां जो मैं आई और यहां का जो प्लेटफॉर्म मुझे समझ आया, धीरे धीरे मुझे जो समझ आने लगा, तो सचमुच में दोस्तों मुझे मजा आने लगा। और ये मेरे अंदर धीरे धीरे एक जिद बन गया कि मुझे कुछ तो कर गुजरना है, कुछ कर गुजरना है, क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है तो मेरे अंदर तो सिर्फ चाहिए एक जिद। और यदि जिद की बात करूं तो मैं बात करूंगी दशरथ मांझी की। आप दशरथ मांझी को ही देख लीजिए ना, कोई एडुकेटेड पर्सन तो है नहीं,
उसे बहुत सारी तालीम मिली है ऐसी भी बात नहीं है, उसे बहुत सारी ट्रेनिंग मिली है ऐसी भी बात नहीं है, उसमें सिर्फ थी कुछ कर गुजरने की, उसके अंदर जिद थी, उसके अंदर जुनून था। तो वो सिर्फ बात इतनी सी थी कि दशरथ मांझी एक गांव में रहते थे और वहां से वो एक अपने गांव से शहर तक आने में अपनी बीवी, जब उसकी बीवी बीमार हो गई तो उसे वो शहर तक ला नहीं सके क्योंकि बीच रास्ते पे पहाड़ था और पहाड़ को पार करके अपनी बीवी को ला नहीं सका और दशरथ मांझी की वाइफ डेथ कर गई। और ये सदमा उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने 22 साल तक उन्होंने पूरे लोग, पूरे समाज, पूरे गांव उसे छोड़ दिए, लेकिन उसके अंदर की जिद उसे नहीं छोड़ी और वो वहां से पूरे 22 साल में पहाड़ को काट के अलग कर दिया और रास्ता बना दिया। ये होता है जिद। उसका एक ही बात था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आज दोस्तों ऐसे और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो मैरी कॉम को देख लीजिए, अरुणिमा सिन्हा को देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, ये सब तो जिद ही है। तो दोस्तों मेरे अंदर भी ये जिद है, मेरे अंदर भी जिद है। जब मैं इस इजी वेज कंपनी में ज्वाइन की तब मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन जब मैं यहाँ काम करने लगी, मैं एकदम साधारण जगह से स्टार्ट की काम को, बिल्कुल और नॉर्मल सा जैसे आप सब अभी देख रहे हो वैसे ही मैं भी शुरुआत की थी। और अभी काम करते करते एक स्ट्रगल का समय गया जो मैं करते 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 आज यहाँ तक पहुँची हूँ। यदि मैं डायमंड में पहुँची हूँ तो दोस्तों सचमुच में 2020 के लास्ट दिसंबर तक में मुझे क्राउन बनने की एक जिद है और मैं कर गुजरूंगी। यदि मेरे अंदर जिद है, मेरे अंदर जुनून है, तो मुझे लगता है मुझे कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि मैं क्राउन बन के दिखाऊंगी और इजी वेज में मुझे क्राउन बनना ही है। तो इसी जुनून के साथ, इसी जिद के साथ, इतिहास तो वही लिखता है जिसके अंदर जिद हो। बातें तो सारे करते हैं, बातें तो बड़ी बड़ी सारे करते हैं, लेकिन जिसके अंदर जिद हो वही इतिहास रच देता है। तो दोस्तों इस टॉपिक के साथ मैं अपने लिए तो करूंगी, साथ में आप भी जो मेरे वीडियो को अभी देख रहे हैं, आप भी अपने अंदर एक जिद, एक जुनून लेके आइए और उसी जिद और जुनून के साथ हम कुछ कर जाएंगे ऐसा कि दुनिया कहे मुझे बनना है कृषिराज जैसा। गुड मॉर्निंग इजीएस, कुणाल मंडल बोलछी, कोलकाता थे के कंपनी सप्लायर डायरेक्टर। आज छोट दुटो इनफरमेशन देर आज के अपन सामने। फ्रेंड्स हमारा सबाई अल इजियंस नेटवर्कर, नेटवर्क बिजनेस फार्ष्ट वार्ल्ड कान्ट्रीगुलो कैन ओके एत प्राधान्य दिए क्योंकि आज के लकडाउन मुहूर्ते मुहूर्ते बस क्या सुंदर भाव उपलब्धि करते। कारण ভারতবর্ষে আমরা কিন্তু অলরেডি একটা স্লোগান শুনেছি যে 2020 থেকে 2025 এই নেটওয়ার্কের উপরে ইন্ডিয়া কিন্তু একটা বড় পরিবর্তন আনতে চলেছিল, আর এই মুহূর্তে সেটা কিন্তু আমরা সুন্দরভাবে বুঝতে পারছি। কারণ এই বিজনেস, এই যে নেটওয়ার্ক কি জিনিস সেটা আজকে আমরা ঘরে বসে সবাই যে যে প্রফেশনেই থাকি, কিন্তু আজকে যারা আমরা নেটওয়ার্কার কোনো অবস্থাতেই কোনো লকডাউন কোনো সিস্টেমই কিন্তু আমাদেরকে কোনো বাধা রাখতে পারেনি। কারণ আমরা ঘরে বসে অনলাইনের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের বিজনেস, আমাদের প্রসেস কন্টিনিউয়াস কিন্তু এটা সবাই সমানভাবে মার্কেটিংয়ে চালাতে পারছে এবং তারা সক্ষম সেখান থেকে তাদের আসল রেজাল্ট এবং আসল রেসপন্স পাবে কিন্তু লকডাউনের পরবর্তী সময়, তারা নিজেরা সেটা বুঝতে পারবে। কারণ এই যে সময়টা আমরা ঘরে বসে আছি, এটা কিন্তু আমরা বসে আছি, আমরা কিন্তু একটা সুন্দর ট্রেনিং পিরিয়ডের মধ্যে আমরা চলছি, আর এই ট্রেনিং সেশন কমপ্লিট হওয়ার পর যখন আমরা লকডাউন শেষ হবে তারপর যখন আমরা মার্কেট মুভমেন্ট করা শুরু করব, একটা জিনিস কিন্তু আমরা বুঝতে পারব যে এর সাকসেস 100% 2025 সেটা 2022 আমরা যারা ইজিয়ান্স তাদের কাছে সেটা কিন্তু সম্ভব। কারণ আদার্স নেটওয়ার্ক কোম্পানির থেকে ইজি হয়েছে প্ল্যান, ম্যাক্সিমাম আর্নিংয়ের কিন্তু প্ল্যান
কোম্পানি 20 বছরের পুরনো, কোম্পানি প্রোডাক্ট ভালো, এবং প্ল্যান যেটা আছে ব্যালেন্স প্ল্যান, যেটা ম্যাক্সিমাম ইনকাম আর্নিং এর জায়গা আছে, সেইটাই আজকে লক্ষ্য রেখে। এবং সব থেকে বড় জিনিস যেটা আমাদের কোম্পানি সিস্টেম, আজকে এই সিস্টেমের কারণে আজকে আমি কলকাতা থেকে শুরু করে এই 3 বছরে অলরেডি 6টা স্টেটে বিজনেসটাকে ডেভেলপ করতে পেরেছি। এর মধ্যে 4টে স্টেট সুন্দরভাবে বিজনেস ডেভেলপমেন্ট করে সুনামের সঙ্গে তারা কিন্তু মার্কেটিং করে যাচ্ছে। এর জন্য সব থেকে থ্যাংকস জানানো উচিত কোম্পানি সিএমডি স্যার এবং কোম্পানির ডায়মন্ড ডাইরেক্টর গ্রেসিদের, কারণ ইনাদের সাপোর্ট না থাকলে কখনোই আমার পক্ষে এই বিজনেসটাকে ডেভেলপ করা সম্ভব ছিল না। আজকে কোম্পানির ডায়মন্ড ডাইরেক্টর, কোম্পানির সিএমডি স্যার দুজন সম্পূর্ণভাবে নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে সম্পূর্ণ সময়টাকে এবং সম্পূর্ণরূপে গাইডলাইনটাকে সঠিকভাবে রেখেছিল বলে আজকে আমাদের এই জায়গাটাকে আসতে অবশ্যই আমরা সক্ষম হয়েছি। এবং আশা করি আপনারা সবাই নিজের নিজের চেষ্টায় নিজের কেরিয়ারকে আরও সাকসেসের দিকে এগিয়ে আসার জন্য সম্পূর্ণ প্ল্যান প্রোগ্রাম ঘরে বসে আপনারা সুন্দরভাবে প্ল্যান তৈরি করুন এবং সেটাকে সবার সঙ্গে শেয়ার করুন। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। मैं रजनीश कुमार, इमरान डायरेक्टर ऑफ इजी वेज। कल हमने एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया था और हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग ने कहीं ना कहीं उसे देखा होगा। जितने भी लोग देखे हैं तो कुछ कल आपको एक अलग चीज़, एक यूनिक चीज़ मिला होगा, मतलब इस ढक्कन से ऊपर का एक चीज़ मिला होगा। ढक्कन से ऊपर का मतलब, सोच का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग सोच रहे हैं उससे कहीं ऊपर का चीज़ था उस वीडियो में। हम ये बता रहे थे कि जो हमारे समाज, हमारे सोशल, हमारे दिमाग में जन्म से हमारे माता पिता के द्वारा चले आ रहा है, हमारे दिमाग में ये चीज़ दिया जाता है कि जितनी बड़ी चादर उतनी बड़ी पाँव फैलाना है। तो इस सारे चीज़ का डिस्कस हमने कल के वीडियो में कर लिया था कि उससे ऊपर हम लोग सोच सकते हैं। एक हमने उस वीडियो में आप लोगों के लिए एक ताक्स छोड़ा था, और वो ताक्स ये था कि आज आपको बहुत बड़ा ड्रीम, बहुत बड़ा जो आपका सपना है उसे हमने लिखने के लिए बोले थे, लेकिन कुछ लोगों का सपना मेरे पास आ गया जो व्हाट्सएप पर डाले थे कि सर हमने ये ड्रीम बनाया और हमें ये चाहिए, इजी बेस्ड बिजनेस है या फिर अदरवाइज। लेकिन प्रॉपर आज का जो वीडियो है वो भी कल के वीडियो का ही पूरक है, क्योंकि आप जब एक ड्रीम लिस्ट बना लिए, आपका जब एक सपना बन गया कि हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो हम गारंटी दे सकते हैं कि उसे कोई दुनिया का कोई भी ताकत उसे नहीं रोक सकता है। जिस चीज़ को आप मान लेते हैं कि ये हमें चाहिए ही चाहिए, तो चाहिए ही चाहिए एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही जोरदार वर्ड है। जैसे रामायण में दिया गया है, तुलसी बाबा लिख के गए हैं कि जिसके जय पे सप्त स्नेह हो, सोते ही मिले ना कच संदेह हो। यानी जिस चीज़ को, जिस आदमी को, जिस चीज़ के लिए सप्त स्नेह होता है, यानी सच्चा प्यार हो जाता है कि ये चीज़ हमें चाहिए, तो उसे फिर मिलने में कोई संदेह नहीं है। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये रामायण की बात है। चलिए कुछ, लेकिन ये जो इस एक्सपेरिमेंट है, जिस दिन से हमने उस चीज़ को जाना और हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही चीज़ होना शुरू हो गया। अभी कुछ दिनों पहले हम अपने जीवन में देख रहे थे कि कुछ चीज़ ऐसा था जो मतलब इससे ऊपर का चीज़ था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर हमने इस चीज़ पे भरोसा किया कि नहीं, इस चीज़ हमें चाहिए तो ये हो सकता है। फिर पूरे कायनात में ये चीज़ हमने बोलना शुरू कर दिया, मार्केट में लोगों को बोलना शुरू कर दिया, और ये पूरी कायनात हमारी मदद की और वो चीज़ आज हमारे पास है। तो हम मानते हैं कि अगर आपका ड्रीम बना है, आपका लिस्ट बना है कि हमें 1 साल में 10 लाख रुपये चाहिए, 20 लाख रुपये चाहिए, हमारे पास बड़ा गाड़ी चाहिए, बड़ी घर चाहिए, या बड़ा कोई ऐसा कुछ करना है, तो उसके लिए आप वो एवरीवन नीड आरोग्य। इजी वेज आरोग्य हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड इज ए इंडियास मोस्ट ट्रस्टेड ओल्डेस्ट नंबर 1 MLM कंपनी। इट हैज मोर ऑर्गेनिक इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स। नाउ आई एम टेलिंग वन प्रोडक्ट, दट इज Pancham Tulasi. Yes, the Pancham Tulasi, easy ways Pancham Tulasi made with 100% natural extract of Tulasi. Everyone known, it is a India's Vedic Amrita juice. Effectively prevents thyroid diseases. It prevents cough, cold, and other seasonal infections. It is a blood purifier.
It purifies the blood. It prevents from skin diseases, skin infections, and lightening the skin. It prevents mouth ulcers also, my dear friends. So, EasyWays Arogya Healthcare Private Limited Pancham Tulasi, made with combination of 5 tulasis. Those are Rama Tulasi, Vishnu Tulasi, Krishna Tulasi, Vana Tulasi, and Kapoor Tulasi. दोस्तों, good morning EasyWays. कैसे हैं आप सब? आज मेरी बात को बुरा ना मानना. आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ और आपसे सच कहूँगा, भले ही आपको बुरा लगे या भला लगे. 2020 दोस्त फाइनेंशियल ईयर अब स्टार्ट है और एक बिजनेसमैन फाइनेंशियल ईयर का स्टार्ट अप्रैल मंथ से मानता है. इस दशक में आप कुछ बड़ा कर पाना चाहते होंगे. आप जो कुछ नहीं कर पाए वो करना होगा, और वो आज तक नहीं कर पाए तो उसे 2020 में करना है. और जो आज तक हम जो नहीं आपको दे पाए वो अब हम चाहते हैं कि इसे हम 2020 में आपको दें. तो थोड़ा सा इसका शुरुआत आज हम इस वीडियो के माध्यम से करना चाह रहे हैं शुरुआती दौर में, कि हम लोगों के दिमाग में एक धारणा चले आ रहा है जो हमारे दिमाग में हिचकिचाहट पैदा कर देता है. ये क्या हिचकिचाहट है उस पर आज हम थोड़ा सा बात करेंगे. हमारे समाज, स्कूल, कॉलेज, हमारे समाज के लोगों के माध्यम से ये दिमाग में आता है कि जितनी बड़ी चादर उतना ही पांव फैलाना चाहिए, या फिर ये दिमाग में दिया जाता है कि कफन में कोई जेब नहीं होता, एक दिन तो सभी को जाना है. लेकिन दोस्त, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये सारे चीज एक अंधविश्वास है कि जितनी चादर उतनी बड़ी. आज एक मैं बुक पढ़ रहा था सुबह में, और उस बुक में हमने देखा कि रजनीकांत, जो आप जानते होंगे, वो तो कोई परिचय के लिए मुमताज नहीं है, वो एक बस के कंडक्टर थे. और अगर वो सोचते कि जितनी चादर उतना ही बड़ा पांव फैलाना है, तो वो कभी क्या बस में ही लगे रह जाते? बस की कंडक्टर को छोड़ के आज वो जो हस्ती बने वो नहीं बनते. सचिन तेंदुलकर क्या लग रहा है, वो भी अगर जितनी बड़ी चादर उतनी बड़ी पांव के बारे में अगर सोचते तो वो भी उस सर्किल में ही रह जाते, उनका भी कोई बड़ा बैकबोन नहीं था. ऐसे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज हैं जिन्होंने चादर से बड़ा सोचने का थोड़ा सा सोचा. तो हम चाहते हैं कि 2020 में आप भी थोड़ा सा अपने चादर को फैलाइए, फेंक दीजिए इस समाज की बड़ी बातों को, छोटे बातों को, जो लग रहा है दिमाग में कि ये चुभता है. आज तक हमें भी ये चीज़ लग रहा था कि जितनी चादर उतना ही पांव फैलाना चाहिए, लेकिन जिस दिन से हमारे दिमाग में आया कि नहीं, चादर से बड़ा पांव फैलाना चाहिए, तो मेरी जिंदगी में अचीवमेंट आते हुए कंटिन्यूसली अचीवमेंट आ ही रहा है. अभी हम लोग बात करेंगे कि इस समाज में ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि बड़े सपने देखो, बड़े गोल बनाओ, बड़ा रिस्क लो, आगे बढ़ो. असफल अगर हो भी गए, मान लीजिए कि रिस्क लिया और असफल अगर हो भी गए, तो कुछ तो नया सीखे ना, क्या दिक्कत है. तो हम चाहते हैं कि एकदम आज से जो 2020 का शुरुआत आप कर रहे हैं, इस शुरुआत में आप 10 साल के गोल को एक साथ लिख दीजिए. क्या दिक्कत है साहब, 10 साल के गोल को एक साथ लिखिए, 10 साल के सपने को एक साथ लिखिए, और फिर उसे पूरा कर दीजिए ना. तोड़ दीजिए समाज के उस सारे बंधन को जो आपको लग रहा है कि जितनी चादर उतनी कफन में कोई जेब नहीं होता. साहब, कफन में जेब नहीं होता, लेकिन मरने के बाद भी लोग सचिन तेंदुलकर को याद रखेंगे, मरने के बाद बावजूद भी लोग रजनीकांत को याद रखेंगे, क्योंकि उन्होंने इसी समाज के इस बात को खुलासा किया कि जितनी बड़ी चादर उससे बड़ा पांव फैलाया जा सकता है. तो हमारा जो मेंटेलिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ाना है. थोड़ा सा कुछ लोगों को आज ये बुरा लगेगा कि ये जितनी चादर उतनी बड़ी पांव की क्या बात है, लेकिन मैं ये बता सकता हूं आपको कि एक ट्रक पे, जिस ट्रक पे बारूद भरा हुआ हो, वो ट्रक वैसे नहीं जल सकता, उसे भी एक चिंगारी की जरूरत होती है दोस्त. तो हमें लगता है कि ये वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा चिंगारी आपके जिस्म में जलना चाहिए, क्योंकि बिना चिंगारी के कुछ तो संभव है नहीं. तो आप बस अभी अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो एकांत में जाइए और फटाक से आप अपना ड्रीम लिस्ट तैयार कीजिए, और फिर EasyWays के साथ, या नेटवर्क मार्केटिंग तो बोला जाए तो ये तो समंदर है, जितना निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं. ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या निकालना चाहते हैं. आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और ओलियो को अपने साथ लेते रहिए, क्योंकि हमारे टेबल पे आप ओलियो आप देख सकते हैं. ये सारे राइटर्स जिनके साथ अभी हम ये छुट्टी का दिन गुजार रहे हैं, इसके बाद
हमारे पास में बहुत सारे ऐसे राइटर्स के बुक्स सब हैं, ये सब आप देख रहे हैं। ये हमारा एकदम एक मीटिंग टाइप से अपने हॉल को बनाया हुआ है, एकदम एक ऑफिस टाइप से, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। थैंक यू। फिर हम लोग बहुत जल्द जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होता है फिर मिल रहे हैं, तब तक आप अपना ड्रीम लिस्ट तैयार कीजिए, प्रोस्पेक्ट लिस्ट तैयार कीजिए, और फिर मिल के हम लोग बहुत बड़ा टारगेट को फिनिश करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नमस्कार, वेलकम, गुड मॉर्निंग जी भाई। सबसे पहले इस वेबिनार का जो आयोजन सर इस लॉकडाउन के समय में किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि इस समय हम लोग खाली बैठे थे, कुछ काम नहीं था, पर सर ने ऐसा काम दिया जिसे हम लोग अपने आपसी बातचीत के माध्यम से अपने आप को ट्रेंड हो रहे हैं, दूसरों को भी मौका मिल रहा है। खास करके CMD साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे ग्रेट अपलाइन सलाउद्दीन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी ग्रुप को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो देश के कोने कोने से जुड़कर इसका लाभ उठा रहे हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, धन्यवाद, थैंक यू। आइए आज हम सब एक अहम विषय पर, शरीर का संबंध में बात करेंगे, हेल्थ के बारे में बात करेंगे। हेल्थ क्या है? हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो प्रायः लोग इग्नोर पहले करते हैं, इसे बहुत बाद में ध्यान देते हैं, वह चाहते हैं पहले धन हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, दौलत हो जाए, शोहरत हो जाए, इत्यादि इत्यादि, और इसी के चक्कर में वह पूरा अपना जीवन बिता देते हैं, और एक समय एक वक्त आता है जो शरीर उनका काम नहीं करता, क्योंकि समय से हम सब उसे देखभाल नहीं करते, पर इसे हमें समय से देख रेख करनी चाहिए। प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा घर में हो माया, इसी मिशन को लेकर आरोग्य वाटिका ने पिछले 20 वर्षों से पूरे भारत में जोर शोर से कार्य कर रही है, उसी का हम सब हिस्सा है। हेल्थ क्या है? एक स्वस्थ व्यक्ति सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, उसे हम स्वस्थ कहते हैं। स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हमें केयर करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, उसमें एक्सरसाइज होते हैं, समय से उठना होता है, संतुलित भोजन लेना होता है, इत्यादि इत्यादि। पर आज के बिजी लाइफस्टाइल में हम सब इसे उतना ध्यान नहीं देते जितना कि देना चाहिए, उसी वजह से हम सब बीमार हो रहे हैं। और कुछ चीज़ें हमारे घर में, रसोई घर में, हमारे भोजन में, हमारे लाइफस्टाइल में, निजी ज़िंदगी में जुड़ गए हैं, जिसे हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है दोस्त। तो हम बताते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। रसोई घर में हमें सफ़ेद नमक, चीनी, प्रेशर कुकर, रिफाइन ऑयल, एल्युमिनियम का बर्तन, मैदा इत्यादि इत्यादि चीज़ इस तरह कब्जा कर लिया है जिसे आतंकवादी कब्जा करता है। इस चीज़ों को ना लेकर हम इन जगहों पर जैसे रिफाइन तेल के जगह पर सरसों तेल का उपयोग करें, नमक के जगह पर, नमक यानी सफ़ेद नमक के जगह पर हम सेंधा नमक का उपयोग करेंगे, चीनी के जगह पर गुड़ उपयोग करेंगे, प्रेशर कुकर को घर से बाहर कर देंगे और अल्मीनियम का बर्तन को भी बाहर कर देंगे, मैदा के जगह पर बाजरे, गेहूँ, जौ की चोकर युक्त रोटी का इस्तेमाल करेंगे, दलिया का उपयोग करेंगे, ये हमारे लिए और आप सभी के लिए भी बहुत बहुत उपयोगी है। चलिए, हेल्थ की बात हुई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर वात पित्त कफ पर आधारित है, यदि ये तीनों सम रहता है तो हम सब स्वस्थ माने जाते हैं। आज
एक मुख्य विषय हम सब के बीच में उभर कर आया, जो किडनी के बारे में चर्चा हम करेंगे। किडनी की बीमारी आज अब बीमारी नहीं रह गई, ये महामारी का रूप ले चुका है। इतना परेशानी किडनी को लेकर आज पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में है, जिसे बड़े बड़े हॉस्पिटल किडनी केयर के खुल रहे हैं, जिन्हें हम आधुनिक युग मॉडर्न साइंस के हिसाब से कहें तो किडनी लाइलाज बीमारी में एक है, जिसे अंत अवस्था मौत ही मौत होती है। जब किडनी में कोई प्रॉब्लम आता है तो मॉडर्न साइंस के अंग्रेजी एलोपैथ की दवा में जाएंगे तो वो बोलेंगे सबसे पहले कि आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। डायलिसिस पर यदि एक साल, दो साल, तीन साल आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ी तो फिर वह सलाह देंगे कि आपको किडनी का ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट कराने पर भी उसकी आयु लगभग 5 से 6 वर्ष, किसी को 10 वर्ष तक के होता है। उसके बाद यदि फिर किडनी काम नहीं करने लगेगी तो आपको बोलेंगे पुनः डायलिसिस पर जाना होगा, आखिरी हम दम तोड़ देते हैं, ऐसा चलता है। आइए, किडनी क्या है, शरीर में कहाँ रहता है। शरीर के पिछले हिस्से में, पीठ के पीछे में यह होता है। इसकी लंबाई जो होती है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और मोटाई 4 सेंटीमीटर के अनुमान, वजन 150 ग्राम से 170 ग्राम के आसपास का होता है। यह राजमा के आकार पीठ के पिछले भी हिस्से में स्थित होता है। यह छूने से स्पर्श नहीं होता, जैसे हम दूसरे अंगों को, लीवर को जैसे छूते हैं तो महसूस होता है, पर यह किडनी छूने से महसूस नहीं होता। अब हम जानेंगे किडनी का क्या कार्य है, किडनी हमारे शरीर में क्या काम करता है। तो किडनी का मुख्यतः जो काम है, खून का शुद्धिकरण करना, साफ करना। दूसरा काम है सोडियम, पोटासियम, अम्ल, क्षार, लवण का संतुलन करना। तीसरा काम है शरीर से टॉक्सिन को बाहर करना, पेशाब के माध्यम से जो अवशिष्ट हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, जो टॉक्सिन चले जाते हैं, विष चले जाते हैं, उसे छान करके, रक्त को शुद्ध करके जो कचरा होता है वह पेशाब के माध्यम से बाहर कर देने का काम करता है। और अब हम जानेंगे किडनी खराब होने के कुछ लक्षण सिस्टम, जिसे हम सहज में पहचान सकते हैं किडनी में प्रॉब्लम आ गया है। बार बार पेशाबों का लगना, पेशाब का इच्छा होना पर जाने पर पेशाब का ना होना, पेशाब दर्द के साथ होना, पेशाब के साथ लाल गहरा झागदार पेशाब आना, पेशाब करते वक्त बहुत तेज का दर्द होना, शरीर में सूजन होना, विशेषकर चेहरे पर, हाथ में, टखने में, पैर में इत्यादि। आप अपने हाथ की उंगलियों को ये देख रहे हैं, हाथ यहाँ बीच में, मिडिल में एक जगह है, पॉइंट है, इसे यदि हम दबा कर देखेंगे जोर से तो यहाँ यदि पेन होता है तो आप समझ लें कि आपको किडनी का इन्फेक्शन हो चुका है। आप अपने हाथों को, हथेलियों को, टखनों को दबाएंगे, वहाँ दबाने से यदि गड्ढा हो जाता है, वह धीरे धीरे ऊपर आता है, तो किडनी को रूप में इसे चिन्हित कर सकते हैं। किडनी खराब कैसे होता है, इसके बारे में हम कुछ जान लें। मुख्य रूप से हम ज़्यादातर जंक फूड का सेवन करने लगे, कोको कोला, पेप्सी, ज़्यादा नमक, रिफाइन, मादक पेय, शराब, मदिरा इत्यादि। यूटीआई में इन्फेक्शन होने से भी किडनी खराब हो जाता है। हम बिजी लाइफ स्टाइल में पानी का सेवन बहुत कम करते हैं, उसे भी किडनी खराब होने का असर होता है। आइए अब हम सब जानते हैं आरोग्य वाटिका का
किडनी केयर क्या काम करता है, ये कैसे बना है, यह लेने से हमें क्या क्या फ़ायदा होंगे और लेने से हम अपने किडनी को कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। मेरे मित्र दोस्त, किडनी केयर जो आयुर्वेद वाटिका का है वह नौसादर हजरुल यहूद कलमी सोरा टंकन पुनर्मा बरून और गोखारू से बना है। ये सबको यदि आयुर्वेद के शास्त्रों में आप अध्ययन करेंगे तो सबका सब प्रयोग किडनी में कहीं न कहीं किसी रूप में सदियों से होता आ रहा है और विशेषकर किडनी के स्टोन होने पर इनका प्रयोग होता है। इसे सारे जो तत्व मिलाए गए हैं वह किडनी को मजबूत सुरक्षित स्वस्थ रखने के साथ साथ किडनी में यदि स्टोन हुआ है तो उसे गला गला कर बाहर करने का काम करते हैं। किडनी केयर किडनी में होने वाले दर्द सूजन को भी कम करता है। इसी तरह कि इसमें किसी तरह का स्टेरॉइड यानी एलोपैथिक औषधियाँ नहीं मिलाई गई है, उसे मुक्त है। यह 300 ml में उपलब्ध है। इसे बड़े व्यक्ति जो हैं 10 से 20 ml तक सुबह शाम गुनगुने पानी में लें। बच्चे जिन्हें 10 वर्ष से आयु कम है, 5 वर्ष तक के हैं, तो उनको 5 से 10 ml सुबह शाम दें। विशेषकर किडनी केयर के बारे में हम ये बताएंगे कि इसकी ईसवी जो पॉइंट है, इसे हम यदि अपने लगातार जीवन में लें तो कोई नुकसान नहीं होगा और यदि साल में 4 बार 5 बार 6 बार इसका सेवन करें, 2 महीने 3 महीने पर हम 2 से 3 फाइल का सेवन करें, फिर छोड़ दें, फिर इसी तरह लेते रहें, तो मेरा पूरा किडनी सुरक्षित रहेगा पूरा लाइफ भर। और हम सब किडनी की समस्याओं से बच जाएंगे। किडनी की समस्या होने पर इतना खर्चीला है, 5 लाख 6 लाख रुपया ट्रांसप्लांट कराने में लगते हैं और हमारा जान भी जोखिम पर रहता है। धन्यवाद, थैंक यू। आगे हम सब मिलेंगे, फिर चर्चा होगी हेल्थ पर, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद जो इस वीडियो को देख रहे हैं सुन रहे हैं। आज वेबिनार के माध्यम से सर के माध्यम से जो ये मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला, इसलिए CMD साहब, सलाउद्दीन सर, चंद्रमणि सर, मनोज सर, रेशी मैडम, ऋषि इकबाल, मनोहर इकबाल, नरेश जी, सुरेश जी, रजनीश जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।